दी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जियां पाल सार्त्र फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, हुए हैं, और वो एकमात्र व्यक्ति है धरती पर जिसने नोबेल प्राइज ठुकरा दिया। नोबेल प्राइज का ऑफर उनको था कि आपको इस बार का नोबेल प्राइज दिया जाना है, और उसने कहा नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? ये आलूओं का बोरा है और मुझे आलू पसंद नहीं। अब एक फिलोसोफर जो बात कहता है उसकी बात के अंदर भी कुछ बात होती है। लोग आज तक समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा सार्त्र ने। छोड़िए उस बात को, प्रसंग की बात इतनी है। सार्त्र कहता है द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। अकेला एक सुख है और दूसरा नरक है। द अदर इज हेल, दूसरा नरक है, दूसरा दुख है। और मैं आपसे कहता हूं कि इस दुनिया में दूसरों के बिना सुख मिलता ही नहीं। दूसरे इतने लोग आपके लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं। कोई कपड़ा बना रहा है, कोई मिठाई बना रहा है, कोई अनाज पैदा कर रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम भी कुछ करते हैं थोड़ा सा। पर सारे सुख हमको प्राप्त होते हैं दूसरों के किए हुए। छोटे छोटे सुख भी आपके दूसरों से रिलेट करते हैं। नहीं तो ऐसा करो, जाओ बाजार में, कल जब बाजार खुले, अभी तक जितनी ड्रेस आपके पास हैं वो सब तो हैं ही, लेकिन एक और बहुत बढ़िया लेटेस्ट डिजाइन की और बहुत कीमती साड़ी खरीद लाओ। बुद्ध से खरीद लाओ, गांधीधाम से ले आओ, अहमदाबाद से ले आओ, नहीं तो, या कोई बढ़िया ड्रेस ले आओ, सलवार सूट या कुछ भी ले आओ, और फिर उसको पहन करके अकेले कमरे में बंद हो जाना। कुछ सुख मिला? बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनकर अकेले आप कमरे में बंद हो जाते हैं, कुछ सुख मिलता है? जब तक दूसरे न देख लें, मित्र और सहेलियां, और पूछ न लें कहां से खरीदी, तब तक मजा ही पूरा नहीं होता। तो ये छोटा सुख भी दूसरों से रिलेट करता है कि नहीं? और हम अहंकार की तृप्ति करने निकलते हैं दूसरों से बड़े होकर, दूसरों से ज्यादा होकर, दूसरों से ज्यादा धन लेकर बताना है, दूसरों से ज्यादा बलवान होकर बताना है, दूसरों से ज्यादा विद्वान होकर बताना है, और बस यहीं पर अहंकार की तृप्ति करने की कोशिश की। अहंकार तृप्त करने निकले और अहंकार अतृप्त रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। कहां तक धनवान हो गए? भुज में ही तो सबसे ज्यादा धनवान हो जाओगे तो कोई बंबई में आपसे ज्यादा बैठा हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा धनवान हो गए तो पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा कोई धनवान है। और पूरी दुनिया में आप सबसे ज्यादा धनवान हो गए तो भी अधूरे अतृप्त अनुभव करोगे। जब एक पहलवान को सड़क पर जाते देखोगे तो महसूस करोगे ओहो धनवान तो मैं हो गया लेकिन ऐसी शानदार बॉडी तो मेरी न हो। रह गए ना अधूरे? अहंकार अतृप्त रह गया? नहीं कि रह गया, क्योंकि समय थोड़ा है, पुरुषार्थ उतना ही है। एक ही दिशा में लगा दो जिधर लगा पाओ। तो या तो सबसे ज्यादा धनवान हो जाओगे तो पहलवान नहीं हो पाओगे, और पहलवान हो गए तो धनवान नहीं हो पाओगे। पहलवान हो गए या धनवान हो गए तो विद्वान नहीं हो पाओगे। जब देखोगे किसी विद्वान को नोबेल प्राइज मिलते हुए फिजिक्स में, फिलोसॉफी में, तो सोचोगे कि मैं कितना भी धनवान हो जाऊं ये प्रतिष्ठा तो मुझे नहीं मिलेगी। जब किसी कवि को बढ़िया सुंदर कविता की धारा बहाते हुए देखोगे और लोग कह रहे होंगे वाह वाह, तो आप सोचोगे कि पैसा तो बहुत हो गया पर ये वाह वाह तो मेरे हिस्से में नहीं आई। और आप विद्वान हो जाओगे, बहुत बड़े विद्वान हो जाओगे, बहुत सारी किताबें लिख डालोगे, और आप जब बस में धक्के खाते हुए जा रहे होगे तो आप सोचोगे कि ये शानदार कार, ओहो ये तो मेरे पास नहीं हुई। कहीं भी किसी भी एक क्षेत्र में तुम टॉप पर पहुंच जाना, शिखर पर पहुंच जाना, कुछ क्षेत्र बहुत सारे ऐसे रह जाएंगे जहां तुम सबसे ऊपर नहीं हो बल्कि कतार में सबसे पीछे हो। तुम्हारे अहंकार को इस तरह तो बहुत सारी ठेस लगती रहेगी। एक पार्टी में मैं था, एक शादी में बंबई में, तो वहां मेरा परिचय कराया गया एक बड़े फिल्म अभिनेता से, उनका नाम बताते हुए कि ये अमुक वो हैं। अब मैंने कभी कोई फिल्में देखी होंगी, कभी जब विद्यार्थी था
तो वो भी ऐसे ही उथले उथले उससे देख ली। अभी कहीं टीवी पर कोई अच्छी फिल्म कोई तारीफ करता है कि अच्छी देखने लायक है तो देख लेता हूं, लेकिन बीच बीच में आने वाले एडवर्टाइजमेंट बोर कर देते हैं, छोड़ो। तो मैं गलती से पूछ बैठा, जब उन्होंने उनका नाम बताया तो मैं पूछ बैठा कि अच्छा आप क्या करते हैं। तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे देश हिंदुस्तान में एक इंसान ऐसा भी है जो मेरा चेहरा और मेरा नाम नहीं जानता। नहीं जानता तो नहीं जानता। तो दूसरे सज्जन जिन्होंने मुझे परिचय कराया था, जब ये बात बताई बाद में कि ये अमुक थे आप नहीं जानते, इनका मैं तो नहीं जानता। तो बोले अच्छा। उन्हें भी उदासी हुई कि क्यों मैंने परिचय कराया इनका। तो मैंने उन्हें एक बात सुनाई, मैंने कहा कि हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास में दो लोग बैठे हुए थे। इधर बैठे हुए सज्जन ने इधर बैठे हुए आदमी से पूछा, आप कौन हैं, आपका परिचय, कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा हूं। आप क्या करते, कौन है? तो ऐसे पूछा तो उन्होंने अपना नाम बता दिया, दिलीप कुमार। आप तो जान गए ना दिलीप कुमार। अब उस आदमी ने दूसरी हिमाकत और की, ये पूछ लिया कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक्टर हूं, हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करता हूं। अच्छा अच्छा ठीक। और आप? फिर इन श्रीमान दिलीप कुमार ने इनसे पूछा, और आप? तो उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं JRD टाटा। अब टाटा को कहां फुर्सत है कि दिलीप कुमार की हिंदी फिल्म देखता रहेगा। 18 घंटे वर्क करता था वो आदमी 80 साल की उम्र में। तो अहंकार को ठेस लगती है। ओमपुरी मेरे मित्र हैं, फिल्म अभिनेता। तो लाइन लगी हुई थी इंडियन एयरलाइंस की विंडो पर, एयरपोर्ट पर। उन्हें कुछ काम था, कुछ अपने टिकट का कंफर्मेशन करना था क्या। तो अब लाइन तो लगी हुई है, तो कैसे क्या करें? तो उन्होंने क्यू से बाहर जाकर, वो जो विंडो थी उसमें जो छेद था उसमें से हाथ आगे बढ़ाते हुए वो जो काउंटर पर बैठा था क्लर्क इंडियन एयरलाइंस का, उसको कहा, आई एम ओमपुरी। उन्होंने कहा ठीक है, प्लीज लाइन में आइए। ठेस लगी अहंकार को, मैं ओमपुरी, मैं एक एक्टर, मैं एक अभिनेता, देश भर मेरा चेहरा पहचानता है, मेरा नाम जानता है, और ये आदमी ये कह रहा है लाइन में आओ। ठीक है, लाइन में आइए। तो अहंकार तृप्त नहीं होता, पर होता है। इस तरह नहीं होगा, दूसरों से कंपटीशन करके, दूसरों से तुलना करके, दूसरों से आगे निकलने की होड़ में अहंकार तृप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं छोटा रह जाएगा, अतृप्त रह जाएगा, ठेस लगती रहेगी, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां। तो अहंकार कैसे तृप्त होता है? अहंकार की तृप्ति का एक मार्ग है प्रेम, अहंकार की तृप्ति का एक मार्ग है करुणा, अहंकार की पूर्ण तृप्ति का एक मार्ग है परमात्मा हो जाना। तो बात स्पष्ट कर दो, जब एक स्त्री एक पुरुष अर्थात अपने पति के प्रेम में अपने को डुबोकर, अपनी ईगो को उसकी ईगो में, अपने अहंकार को उसके अहंकार में विलीन कर देती है, और पुरुष का अहंकार स्त्री के अहंकार में विलीन हो जाता है, जब दो ईगो मर्ज होकर एक बन जाते हैं, तब प्रेम की शुरुआत होती है, सृष्टि होती है। और फिर उसका परिणाम क्या होता है? स्त्री की अपनी महत्वाकांक्षाएं पति की महत्वाकांक्षा में विलीन हो गई, और पति की पत्नी में। तो ऐसा नहीं होता क्या कि पति प्रधानमंत्री हो गया तो पत्नी को लगता है जैसे मैं ही हो गई हूं? होता है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही अहंकार की तृप्ति अनुभव करती हैं स्त्रियां। अगर पति प्रधानमंत्री हो गया तो पत्नी उतना ही गौरव, उतनी ही गरिमा, उतना ही रौब, उतना ही अधिकार, उतनी ही शक्ति, उतनी ही पूर्णता, उतनी ही तृप्ति अनुभव करेगी। और ठीक ऐसे ही अगर स्त्री की कोई उपलब्धि है, स्त्री की कोई उपलब्धि है तो पुरुष को अपनी लगेगी, बिल्कुल अपनी। अगर प्रेम है बीच में तो, अगर दो अहंकार एक हो गए हैं तो, नहीं तो नहीं होगा। तो जरा बताइए, एक और एक मिलकर कितने होते हैं? टोटल करें तो दो। एक और एक कोऑपरेशन से मिलते हैं तो मिलकर कितने हो जाते हैं? 11। और एक अगर प्रेम के द्वारा मिलते हैं तो कितने हो जाते हैं? 1।
इसलिए कल डॉक्टर योगेश जी बेलानी को मैं कह रहा था, कुछ बात चल रही थी हमारी उनकी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये परिस्थिति, ये विवेचना ऐसी नहीं है जैसे दो और दो चार होते हैं, तो बात हमारी अधूरी रह गई। मैंने कहा कि हमेशा दो और दो चार नहीं भी होते, हमेशा एक और एक दो नहीं भी होते। ये दो पेन मिलकर चार संख्या बनेगी, पर मेरे दो आंसू और आपके दो आंसू मिलकर एक हो जाएंगे। दूसरों के आंसू अगर मेरी आंखों में उतरे तो वो करुणा बन जाएंगे। मानव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा की जब सृष्टि होगी, तब जब दूसरों की आंखों के आंसू आपकी आंखों के आंसू बन जाए और वहां एकत्व होता है, एकत्व, एकत्वम अनुपश्यत। तो जब तक पति और पत्नी के अहंकार एक नहीं हो जाते, तब तक प्रेम का रस नहीं मिलता। दो शरीर एक प्राण हो जाने चाहिए। अब आगे चलें। अहंकार का विस्तार कीजिए। अहंकार की एक्सटेंशन क्या है? अहंकार की एक्सटेंशन होती है आपकी संतान, आपके बेटे बेटियां। मान लीजिए किसी के तीन बेटे हैं और ये खुद बेचारा एक साधारण दुकानदार है, इसको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल सका था जीवन में। एक बेटा, तीन बेटे, अब इस साधारण दुकानदार के तीन बेटों में से एक बड़ा डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला गया, आईएएस ऑफिसर हो गया। अब इसका अहंकार तीन गुना तृप्त होगा। ये अहंकार का विस्तार है। एक बेटा डॉक्टर है, मैं डॉक्टर का बाप हूं। एक इंजीनियर है, मेरा एक बेटा इंजीनियर है, मेरा एक बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अभी अहंकार तीन गुना तृप्त हो रहा है। संतान का मतलब क्या है? संतान का मतलब है कंटिन्यूटी, निरंतरता। संतान का मतलब है एक्सटेंशन, विस्तार। आत्मा वही पुत्र नामासी। आप अपने को विस्तार देते हैं संतान के रूप में। शायद मैंने कभी आपको सुनाया हो, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, विदेश गए, बड़े भारी फिलोसफर थे, और उनके बेटे डॉक्टर सत्यप्रकाश डीएससी केमिस्ट्री के फील्ड में इंटरनेशनल फेम के आदमी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, दुनिया में उनका एक साइंटिस्ट की हैसियत से नाम था, प्रसिद्धि थी। उनका भी देहांत हो गया, सत्यप्रकाश जी का। तो सत्यप्रकाश जी के पिता गंगा प्रसाद उपाध्याय, गंगा प्रसाद उपाध्याय के बेटे बहुत बड़े साइंटिस्ट अपने देश भारत के। लीजिए जी, गंगा प्रसाद उपाध्याय विदेश गए और विदेश में उनको किसी सभा में भाषण देना था। उनका परिचय देते हुए जो सभा के संचालक थे, उन्होंने उनका परिचय देते हुए कहा कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे बीच में आए हैं। साइंटिस्ट तो उनके बेटे थे, पर इनका परिचय साइंटिस्ट की तरह दे दिया गया कि देश के, हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे देश में आए हैं। तो गंगा प्रसाद उपाध्याय बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मित्रों, यहां पर मेरी बड़ी बेइज्जती की गई है, मेरा बड़ा अपमान हुआ है। तो लोग तो डर गए, अतिथि और राजकीय अतिथि, उनका अपमान हो गया, हमसे क्या अपमान हो गया ऐसा। उन्होंने कहा कि मेरा परिचय बहुत कम करके दिया गया यहां, मुझे बताया गया है कि मैं हिंदुस्तान का बड़ा साइंटिस्ट हूं। बिल्कुल गलत बात है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट का बाप हूं, साइंटिस्ट का बाप हूं, बड़ा परिचय है। यह अहंकार का विस्तार है। अहंकार का और विस्तार कीजिए। सोचो, तीन बेटे, एक डॉक्टर हो जाता है, एक इंजीनियर हो जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाता है, और आपका अहंकार तीन गुना तृप्त होता है। सिर्फ तीन गुना ही तो, ऐसा तो होगा नहीं कि आपके 30 बेटे हो जाएं। तो 30 गुना कैसे होगा अहंकार तृप्त? सोचो तो सही, जब एक बेटा इतनी तृप्ति देता है, एक बेटा इतना संतोष देता है, एक बेटा इतना आनंद से भर देता है जीवन को, एक बेटा आपके अहंकार का विस्तार बन जाता है, तो फिर कितना आनंद अपरिसीम होगा अगर धरती के सारे बेटे मेरे बेटे हो जाएं।
ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। जब आप दूसरे बेटों में भी अपने जैसे बेटे महसूस करने लग जाएं, तो जब किसी दूसरे की उन्नति हो रही हो, कोई दूसरा उन्नति करके आगे चला गया, तो सच बताइए आपको ईर्ष्या होती है कि आनंद होता है? बस यहीं पर बात समझ में आएगी, दी अदर इज हेल। और दूसरा महर्षि पतंजलि का सूत्र, आपको चार मनोवृत्तियों को सुधारना है, ठीक करना है, चार मनोवृत्तियों की साधना करनी है, चाहे आप संसार में सुख के मार्ग पर बढ़ रहे हो और चाहे अध्यात्म के पथ पर। उनमें से एक है मैत्री, दूसरी है करुणा, तीसरी है मुदिता, चौथी है उपेक्षा। अब इसको समझें, रास्ते पर चले जा रहे हैं आप अपनी कार में बैठे हुए, दूसरा एक आदमी नए मॉडल की नई कार लेकर के आया, सड़क पर आपके पीछे था और चलता हुआ फर्राटे से अपनी कार आगे बढ़ाता हुआ आपको चैलेंज सा करता हुआ आपसे आगे निकल गया। जब वो आपसे आगे निकल जाता है तो सच बताओ आपके अहंकार को ठेस लगती है, आपको ईर्ष्या होती है या आपको प्रसन्नता होती है? नहीं होती ना। कोई आदमी आपसे ज्यादा धनवान हो जाता है देखते देखते, कल तक आपसे पीछे था और आज उसने अपना कारोबार इतना बढ़ा लिया कि वो आपसे आगे निकल गया धन ऐश्वर्य के क्षेत्र में, बताओ सच बताओ ईर्ष्या होती है या प्रसन्नता? ईर्ष्या ही होगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरा है, दी अदर, दूसरा है इसलिए नरक है, इसलिए दुख दे रहा है उसका आगे निकल जाना। पर देखो इस दुनिया में हमेशा तुम्हारा चार तरह के लोगों से सामना पड़ेगा। एक वो जो तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे आगे निकल गए हैं, दूसरे वो जो तुम्हारे बराबर हैं, तीसरे वो जो तुमसे पीछे रह गए तुम उनसे आगे निकल आए, चौथे वो जो दुष्ट स्वभाव के हैं और अकारण तुम्हारे मार्ग की रुकावट बनना चाहते, तुम्हारी निंदा करते हैं या और कुछ करते हैं। इन चारों के साथ व्यवहार करने का सलीका तरीका भगवान पतंजलि ने कहा, जो लोग तुमसे आगे निकल गए, चाहे कार में बैठकर आगे निकल गए, चाहे धन में आगे निकल गए, विद्या में आगे निकल गए, किसी भी क्षेत्र में आगे निकल गए, उनको देखकर होनी चाहिए मुदिता, प्रसन्नता, उपजती है ईर्ष्या। ईर्ष्या को रोको बल्कि प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न हो जी? कोई हमसे ज्यादा धनवान हो गया देखते देखते, हमसे ज्यादा विद्वान हो गया, हमसे ज्यादा आगे निकल गया कार में बैठा हुआ, इसमें प्रसन्नता की क्या बात है? हां प्रसन्नता की बात है, प्रसन्न होना यह देख करके कि अरे वाह उतनी स्पीड से भी जाया जा सकता है, अगर जरूरत है हमको भी तेज जाने की तो हम भी जा सकते हैं, हो गया ना, पर हमारी जरूरत नहीं, हम जिस लक्ष्य पर जा रहे हैं वहां पर हम अपनी 50 की स्पीड से आराम से पहुंच जाएंगे, तो हमें उससे कंपटीशन क्यों करना, उससे जलन किस लिए करना, उसको दूसरा मत मानो, बहुत अच्छा शाबाश इतनी स्पीड से चला पाता है, बहुत अच्छा ड्राइवर, अरे हमसे ज्यादा धनवान हो गया, हमसे ज्यादा विद्वान हो गया, उसके पास भी इतना ही समय था 24 घंटे का, उसके पास भी दो हाथ थे दो पैर थे एक दिमाग था, जा सकता है, कोई भी एक ज्यादा विद्वान हो सकता है धनवान हो सकता है, तो मैं चाहूंगा तो मैं भी हो सकता हूं, इसमें अहंकार को ठेस लगाने वाली बात क्या है? अरे मैंने नहीं की मेहनत धन कमाने में, मैं अपना आनंद करता रहा मनोरंजन करता रहा, क्या इसमें परेशानी की बात है? मुंबई में मेरे एक मित्र हैं, तो एक दिन उन्होंने मुझे देखा, मेरी आंखों पर चश्मा नहीं था, उनका आपका चश्मा क्या हुआ? मैंने कहा मेरा चश्मा लोकल ट्रेन में मैंने भीड़ की वजह से उतार के केस में रख के थैले में रख लिया था, उसकी चेन नहीं लगाई और भीड़ में किसी ने मेरा चश्मा चुरा लिया। तो उन्होंने कहा आइए मेरे साथ, तो वो बंबई का जो सबसे पहला एक डिपार्टमेंटल स्टोर था चर्च गेट के पास एशियाटिक, वहां ले गए, तो कार में बिठाया,
तो छोटी कार लेके आए थे, छोटी मारुति। तो मैंने उनसे पूछा आज आप ये छोटी कार ले आए? तो बोले हां मैं अकेला जाता हूं तो मैं यही कार लेके आता हूं कि बड़ी कार को पार्क करने में मुश्किल आती है, ऐसे घुमाओ ऐसे करो ऐसे करो, और ये छोटी कार है छोटी सी जगह में पार्क हो जाती है और झट से बाहर निकल भी आती है और आने जाने में भीड़ में भी आसानी रहती है, चलाने में भी आसान है और लोग देखें कि छोटी कार में बैठा उससे क्या, मैं तो जानता हूं ना कि मेरे पास एक बड़ी कार भी है ना। तो लोग अगर उन्हें छोटी कार में बैठा देख रहे हैं तो इससे उनके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास एक बड़ी कार भी है। तो मैंने सोचा कि फिर तो ये बड़ा मजे की बात है क्योंकि फिर तो मान लीजिए किसी ने बड़ी कार नहीं खरीदी हुई है तो वो ये सोच सकता है ना कि जब चाहूंगा खरीद लूंगा, नहीं खरीदता मेरी मर्जी, दूसरों को दिखाने के लिए क्या खरीदूं, मेरी आवश्यकता नहीं है। और अगर मेरे पास पैसे भी नहीं है खरीदने के लिए तो मैं सोच सकता हूं कि नहीं है मुझे जरूरत कार खरीदने की, मैं ऐसे ही ठीक हूं साइकिल पे चलता हूं मजे में, मैं उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो दूसरों से बिना अपनी तुलना किए अपने को तृप्त अनुभव कर सकते हैं। तो जब दो हाथ दो पैर एक ब्रेन रखने वाला एक इंसान आगे जा सकता है इस स्पीड से ज्यादा धनवान हो सकता है, आप चाहें तो आप भी हो सकते हैं। और प्रसन्नता की बात है कि एक आगे निकल गया ऊंचाई तक पहुंच गया, बस उसे कंपटीटर मत समझो, उसे प्रतिद्वंदी मत समझो, एक इंसान है बहुत अच्छा शाबाश। तो जो आगे निकल गए हैं उनको देखकर ईर्ष्या ग्रस्त न हो बल्कि प्रसन्न हो, और जो आपके बराबर के हैं उनसे होनी चाहिए मैत्री, कोऑपरेशन, सहयोग। करने बैठते हैं हम कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता, तू आगे निकलता है मैं आगे निकलता हूं, देखें कौन आगे निकलता है। और इस प्रतिद्वंदिता में निश्चित रूप से जो जन्म लेगा उसका नाम है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, आप उससे नहीं बच सकते। तो दूसरों से जब बिना कारण का कंपटीशन आप मोल ले लेते हैं तो फिर दुर्भाग्य साथ लग जाता है, अहंकार तृप्त नहीं होता। उनसे मैत्री करें, सहयोग करें, दोनों मिलकर ज्यादा आगे जा सकोगे सहयोग के द्वारा। और जो आपसे पीछे छूट गए हैं, जो आपसे नीचे रह गए, उनके लिए हमारे मन में कौन सी भावना उपजती है? उपजती है हिकारत, उपजनी चाहिए करुणा। अच्छा मान लो आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़े हो, ऊपर एक आदमी वहां नीचे है उस नीचे और ऊपर चढ़ना चाह रहा है और आप वहां खड़े हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? क्योंकि आप ऊंचाई पर हैं, इसलिए आपके ऊंचे पर खड़े होने की मांग है उस नीचे खड़े व्यक्ति की कि आप हाथ बढ़ाएं, उसे कुछ सहारा दें ऊपर आने के लिए। आप अगर धन ऐश्वर्य की ऊंचाई पर हैं, आप विद्या की ऊंचाई पर हैं, आप पद अधिकार की ऊंचाई पर हैं, तो समाज के लिए अपने से निचले तल के लोगों के लिए आपका कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? उनके लिए करुणा की भावना रखना। और जब आप इन तीन भावनाओं को अपने मन में विस्तार देंगे तो आप दूसरों को उन्नति करता हुआ देख के अपनी ही उन्नति समझने लग जाएंगे। दूसरों का बेटा, दूसरे का बेटा आगे निकल गया तो वो बेटा आपका भी हो सकता है, आपके आप उसको भी अपना बेटा मान सकते हैं। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने बेटों को प्रगति के रास्ते पर ना ले जाइए, लेकिन अपने अहंकार को जितना जितना आप विस्तार देते जाते हैं और जितना जितना दूसरों में अपने जैसे ही आत्मा का अनुभव करने लग जाते हैं वैसे ही आपकी करुणा और आपका प्रेम फैलता जाता है और उतना ही उतना आपका अहंकार भी विस्तृत हो जाता है और उतने ही अंशों में आपका अहंकार तृप्त होता है। और कई बार तो ऐसी अद्भुत बातें होती हैं कि व्यक्ति अपने अहंकार को पीछे कर लेता है और बड़ा हो जाता है। अहंकार को पीछे कर लिया, विजय को लात मार दी और हार करके विजयी हो गया, विजयी हो गया। अच्छा बताइए, ओलंपिक में किसी भी खेल में या किसी भी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल पा लेना, सबसे आगे निकल जाना, सबसे विजयी हो जाना गौरव की बात है कि नहीं? है कि नहीं? पर इससे ज्यादा गौरव की बात हारने में हो सकती है क्या? हार जाने में? हां, होती है। जब आप अपने जैसे अहंकार को, अपने जैसी आत्मा को दूसरे में महसूस करने लग जाते हो,
अफसोस की बात यह है कि मुझे उस ओलंपिक के खिलाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा, जुबान पर है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मेमोरी में से। पर सुन लीजिए बात, बोटिंग की प्रतियोगिता था ओलंपिक में, बोटिंग यानी नाव चलाने की प्रतियोगिता, छोटी नाव, दो चप्पू, पतवार जिससे पानी को पीछे धकेल कर नाव को आगे बढ़ा रहे हैं, तो नाव की दौड़ हो रही है और उसमें एक खिलाड़ी सबसे आगे आगे जा रहा है, सबसे आगे आगे, और आगे जाते हुए उसने देखा जिस अपने से थोड़ा आगे जा रहे खिलाड़ी को उसने पछाड़ा और सबसे आगे हो गया। कुछ ही सेकंड थे, कुछ ही मिनट, कुछ ही क्षणों में वो सबसे आगे होता और विजयी हो जाता उस दौड़, उस नाव दौड़ में, नाव की दौड़ में, और गोल्ड मेडल उसको मिलता कि उसने देखा जो पीछे छूट गया है खिलाड़ी नाव में, उसकी नाव पलट गई है और वो पानी में डूब रहा और वहां भंवर थी और वो उस पानी में फंस गया है और निकल नहीं पा रहा। अब उसने अपना नाव चलाना छोड़ा, पीछे लौटकर आया और उस डूबते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी, प्रतियोगी खिलाड़ी को पानी से निकाला, उसकी नाव सीधी की, उसमें बिठाला, और इस प्रक्रिया में और पीछे जो आ रहा था तीसरा खिलाड़ी वो आगे निकल गया और उसे गोल्ड मेडल मिला। और ये जिसने जानते बूझते हुए गोल्ड मेडल उसके सामने था, उसकी पकड़ में था, उसने उसको लात मार दी उस प्राणी को बचाने के लिए, उस अपने प्रतियोगी को बचाने के लिए, बताओ उसको कौन सा मेडल मिलना चाहिए? ओलंपिक के इतिहास में पहली बार गोल्ड मेडल तो नियमानुसार उसी को देना पड़ेगा जो आगे निकला है, लेकिन जिसने जानबूझकर हार को चुना है, विजय को लात मार दी है, एक अपने साथी को बचाने के लिए उसके लिए एक स्पेशल मेडल और प्रमाण पत्र तैयार किया गया ओलंपिक के इतिहास। उसने उस डूबते हुए प्राणी को प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा, अपने जैसी आत्मा, मैं अगर डूब रहा होता तो बस धर्म इतनी सी बात है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषामनः समाचरेत, अपने को उस जगह रखकर देखो, दूसरे शरीर में, दूसरे प्राणी के अंदर आप जैसी ही आत्मा, और आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाएंगे। पूर्ण अहंकार की तृप्ति कब होगी, पूर्ण कब होगी? अभी भी ये कम है, अभी भी थोड़ा कम है। आपका आनंद अपरिसीम हो जाएगा जब आप, क्योंकि आप कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी विद्वान हो जाओ, कितने भी बलवान हो जाओ, कल्पना करो आप बलवान भी सबसे ज्यादा हो गए, धनवान भी सबसे ज्यादा हो गए, विद्वान भी सबसे ज्यादा हो गए, तब भी आप परमात्मा तो नहीं हो गए, फिर भी रह तो गए छोटे ही, परमात्मा तो नहीं हो गए। तो बस अहंकार पूरा तत्व तब होगा जब सारे जीवात्मा आप जैसे अपने को अनुभव करने लगो, और उससे भी ज्यादा तब होगा जब आप सचमुच परमात्मा हो जाओ। और वो कब होगा? वो तो तब होगा जब आप जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, मुक्तावस्था में, तब ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जीवात्मा उस समय जीवात्मा भी रहता है और बिल्कुल परमात्मा जैसे ही आनंद का अनुभव करता है। अब उस चीज को तो जाने दो, वो तो बड़ी दूर की बात हो जाएगी, लेकिन कम से कम अहंकार की तृप्ति के जो ये सुंदर तरीके हैं जो भगवान पतंजलि ने बताए, इनको तो कोई भी गृहस्थ व्यक्ति, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर सकता है और बिना दूसरों से व्यर्थ की प्रतिद्वंदिता और तनाव पाले हुए जीवन में आगे बढ़ता जा सकता है। दूसरे आगे निकल जाए उससे प्रसन्न होइए, बराबर के लोगों से सहयोग स्थापित कीजिए, जो पीछे रह गए हैं, जो छोटे हैं, उन पर करुणा बरसाइए, और जो बिना कारण आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं, निंदा वगैरह करते रहते हैं, जब तक वो सचमुच रियलिटी में फिजिकली आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकने लायक न हो, तब तक उनकी उपेक्षा कीजिए, जाने दो। हर कुत्ते से रास्ते में लड़ने बैठोगे तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? हर गड्ढे को आप भरने लग जाओगे, तो इसलिए अपने रास्ते पर जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और जीवन का लक्ष्य जैसा कि सुबह मैंने बताया था, सुख और आनंद की प्राप्ति है, और वो सबके साथ मिलकर जो प्राप्त होता है वो सुख, सबको बांटकर जो मिलता है वो आनंद, और अकेले अपनी आत्मा की गहराई में उतर कर जो मिलता है वो परम। तो ईश्वर करे इन तीनों अवस्थाओं को आप प्राप्त करने में समर्थ हो, और परमेश्वर की कृपा से
जीवन के अपने सब लक्ष्य पा सकें, सुख और आनंद के परम आनंद से इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज की बात समाप्त करता हूं। और जैसा कि उदय जी ने कहा था कि कम से कम एक कला, तो मैंने उससे 5 मिनट ज़्यादा कर दिए, क्योंकि कम से कम एक कला था ना, उससे ज़्यादा जितना भी। तो अगर आपका यहाँ पर ही सो जाने का खतरा ना हो तो मैं तो और बोलता रहूँ इसी विषय पर। डर यह है कि फिर आप कल बिल्कुल नहीं आएंगे, कि आदमी छोड़ता ही नहीं। तो फिलहाल अभी इस सभा को यहीं पर विराम दिया जाए और आप सबका। तो सुंदर धर्मनी व्याख्या विवेचना अहीं सांभळी, कल्याण मार्ग ना प्रशस्त करवा माटे आचार्य जी बहु सुंदर वाणी थी आपने लाभ आप्यो। एक कविए कीधुं छे कि आ पुण्य प्रशस्त पंथ है, बढ़े चलो, तो आ प्रशस्त पंथ पर आपणे सौ एवी ज निष्ठा अने प्रमाणिकताथी आगळ वधशुं तो उच्च जीवनना आदर्शोने आपणे प्राप्त करी शकशुं। आदरणीय आचार्य जीनो खूब खूब आभार। हवे आवतीकालना जे यज्ञना यजमानो छे एमना नाम छे, तो ए लोकोने खास विनंती के 9:15 वागे आर्य समाज भवन नी अंदर उपस्थित थाय।